अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए केपी के से एक अहम अपडेट आई है। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज चाहे जिस भी कंट्री में मौजूद है, केपी के ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी जानब से जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से एक अहम अपडेट आई है। तो अहम अपडेट ये आई है कि जैसा कि पहले पंजाब हुकूमत पंजाब ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी ने अनाउंस किया है और उसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट कर दिया है कि आप ऑनलाइन जहां पे भी हैं वहां पे बैठ के अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन तजदीद कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं अगर एक्सपायर है या एक्सपायर होने वाला है तो अब ये सर्विस जो है ये केपी के हुकूमत और केपी के ट्रैफिक पुलिस जो है उन्होंने भी स्टार्ट कर दी है। इस हवाले से एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान रियाज जो है उन्होंने भी ये एक अनाउंसमेंट की है, यानी कि एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसके ऊपर ये तरीकाकार शेयर किया गया है कि आपने ऑनलाइन अपने लाइसेंस को किस तरीके से रिन्यू करना है। ये इसको ऑनलाइन तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इसके साथ जो तरीकेकार शेयर किया गया है कि आप पाकिस्तान से बाहर भी रह के किस तरीके से अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस केपी के से है तो फिर आप उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो शर्त बताई गई है, शर्त एक ही है कि आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हुए हुए 3 साल से ज्यादा अरसा नहीं अभी गुजरा होना चाहिए, पहली शर्त यह है। दूसरे नंबर पे आपको जाना पाकिस्तान एम्बेसी होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से साथ लेके जाने हैं। पहली बात तो यह है कि अगर तो आपका पंजाब का ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर तो आप ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ केपी के वालों के लिए है। पंजाब के लिए तो अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें एम्बेसी जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप केपी के से हैं तो फिर आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, क्या क्या चीज आपने साथ लेके जानी है, अपने पासपोर्ट की एक कॉपी, अपने शिनाख्ती कार्ड की एक कॉपी, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है उसकी एक कॉपी, उसके बाद आपने अपनी एक कलर पिक्चर जो है वो लेनी है, उसके अलावा आपने आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अटेस्टेड होना चाहिए, जो कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। और उसके बाद एक बंदे को आपने नॉमिनेट करना है और जिस बंदे को आपने नॉमिनेट करना है उसके आईडी कार्ड की कॉपी और उसके मोबाइल नंबर की कॉपी भी आपने देनी है जो कि केपी के से बिलोंग करता हो, ताकि वो आपका नया जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिसीव कर सके। उसके बाद ये जितनी चीजें बताई हैं, आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, ये कॉपियां भी साथ लेके जानी है और ओरिजिनल भी आपने साथ लेके जाना है, क्योंकि ओरिजिनल भी आपने वहां पे दिखाना है। तो ये प्रोसीजर है और ये लेके आपने पाकिस्तान एम्बेसी जाना है, तो वहां से ये आप जो है वो आप पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी एम्बेसी से जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका केपी के है का है तो आप उसको तजदीद करवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। शुक्रिया।